हार्डशिप की, हंगर की, ये पूरे यूरोप ने देखी है, राइट? तो अब कल दो एस्पेक्ट तो हमने स्टडी किए थे, दैट इज हंगर हमने स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था हार्डशिप, पर एक एस्पेक्ट अभी भी हमने एस्पेक्ट जो है वो छोड़ा हुआ है, दैट इज पॉपुलर रिवोल्ट्स। अब पॉपुलर रिवोल्ट्स इतना छोटा नहीं है कि आज के लेक्चर में कवर अप हो जाए। यहां पे अभी हम सिलिसियन वीवर का रिवोल्ट पढ़ने वाले हैं और मेरे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट्स ऑफ द लिबरल्स। उन लोगों ने, हर किसी ने इस चीज पर, इस हंगर पर, हार्डशिप पर और ये जो सिचुएशन चल रही थी इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया, दिस वी विल सी नाउ। ओके, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको बोर्ड से कंटेंट पढ़ाऊं उसका एनसीईआरटी, हम एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। दैट इज, आपने क्लास 9th में ओपियम कल्टिवेशन की ऐसे ही सिमिलर कहानी सुन रखी है, क्लास 8 में आपने इंडिगो कल्टिवेशन की सिमिलर कहानी सुन रखी है, और क्लास 10 में मैं आपको फ्रांस, वो दोनों इंडिया में थी, पर मैं आपको अब सेम कहानी क्लास 10th में फ्रांस की सुनाने वाली हूँ, ठीक है? अब देखो कहानी क्या थी। सिलिसिया एक विलेज है जहाँ कुछ 18,000 लोग रहते हैं, ठीक है? सारे लोग एक ही तरीके का काम करते हैं, एक ही ऑक्यूपेशन करते हैं, और वो है वीविंग, ठीक, कॉटन क्लोथ की वीविंग। फाइन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको काम चाहिए था, तो एक कॉन्ट्रैक्टर आया और उसने क्या कहा कि मैं आपको रॉ मटेरियल दूंगा, क्योंकि गरीब थे, पैसा तो बहुत था नहीं, ठीक है? तो उन्हें मास में, बल्क में काम दिया और उनको बोला रॉ मटेरियल उसका मैं दूंगा, बनाओ और मैं ही आपसे फिनिश प्रोडक्ट खरीद लूंगा फिर, ठीक। बहुत खुशी की बात है, वीवर्स वर वेरी हैप्पी, दे स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क। नाउ सडनली क्या होता है, जब वो अपना पूरा काम वापस करते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसके ड्रास्टिक, मतलब ये नहीं कि कुछ पैसा कम कर दिया, बिल्कुल ड्रास्टिक प्राइस कम कर देता है। अब जब ऐसा होगा, आप कोई चीज पहले आपकी किसी और चीज पे तय हुई है और जब आप दे रहे हो तो वो अपनी पावर दिखा रहा है और आपको कम पैसा दे रहा है, तो आप भी तो एकजुट हो गए, 18,000 लोग हैं, कुछ करेंगे? डेफिनेटली सारे लोग जो थे वो स्ट्रीट पर आ गए और उन्होंने स्ट्राइक करी और उन्होंने मांगी की कि हमारी वेज बढ़ाओ, वेज बढ़ाओ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं बढ़ाएंगे। अब तो कोई चारा ही नहीं था, प्यार से बात कर देख ली और मान नहीं रहे हैं, तो फिर वीवर्स ने डिसाइड किया कि अब हम इन्हें रहने नहीं देंगे, अगर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है हम भी इनको सबक सिखाएंगे। और उन्होंने उनके घर में घुस के तोड़फोड़ मचाई, सारी चीजें तोड़ दी, विंडो की पेन तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया, और इतना ही नहीं, वो स्टोर हाउस जहाँ पे पूरा उनका सामान बनाया हुआ फिनिश प्रोडक्ट रखा था वो सब बर्बाद कर दिया, सारे कपड़े फाड़ दिए, सब चीजें जो थी टोन कर दी। और ये हालत हो गई कि जान बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को अब भागना पड़ गया अपने मैंशन छोड़ के, यानी कि घर में नहीं, मैंशन, तो मैंशन छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ गया। तो जब वो लोग भागे तो बाजू के गांव में भागे अपनी जान बचाने के लिए, तो बाजू के गांव वालों ने बोला कि तुमने ऐसा किया उन वीवर्स के साथ, हम तुम्हें यहाँ शरण नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। धक्का मार के उन्हें मना कर दिया, निकाल लिया बाहर। 24 घंटे छुपे रहने के बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो वो आर्मी की मदद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने जाएंगे तो पिट जाएंगे और हो जाएगा उनका काम खत्म। तो वो आर्मी के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं आप क्या कर रहे थे जब हमला हो रहा था, अब करो कुछ एक्शन लो। तो आर्मी उन, वो वापस आते हैं और आर्मी उन्हें सपोर्ट करती है, और आर्मी अब शूट कर देती है, गोलियां चलाती है वीवर्स के विलेज में, वीवर्स के ऊपर। और इस दौरान, इस शूट में 11 वीवर्स मर जाते हैं, और इस तरीके से सिलिसियन वीवर की एक नॉन हैप्पी एंडिंग होती है बच्चों, ठीक है? ये छोटा सा एक किस्सा है जिसमें पहले उन्होंने रिवोल्ट किया, फिर उनको जवाब मिला। नाउ लेट अस सी आईएनसीईआरटी कंटेंट इन द सेम रिस्पेक्ट। सी, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू वीवर्स, ठीक है? मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है वीवर्स, डेफिनेटली बात है कि सिलिसियन वीवर्स हैं ये। दे गिव ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल्स, कि आप फिनिश कपड़ा बनाओ, ठीक। अब सिलिसिया एक विलेज है जहाँ कितने लोग रहते हैं, 18,000 पीपल रहते हैं, और सारे के सारे कॉटन वीविंग का काम करते हैं, ठीक, दिस इज देयर ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट देखो,
सडनली पेमेंट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है और फाइनली 4 जून को शाम के 2 बजे जो क्राउड है वो सड़क पर आ जाता है, इमर्ज हो जाता है ऑन स्ट्रीट्स और डिमांड करते हैं हाई वेजेस की। अब उन्हें क्या चाहिए? अब उन्हें बहुत हाई वेजेस चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, डिनाइड, मना हो जाता है उनको कि हम पैसे नहीं देंगे भैया आपको। डिनाइड बाय, देखो ये फ्लो चार्ट्स हैं बच्चों, ये नोट्स हैं केवल, मेकिंग है। ठीक है, इसको आपको अपने दिमाग से रिलेट करते जाना है समझ समझ के। बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, डिनाई कौन करेगा भाई? कॉन्ट्रैक्टर्स ही तो डिनाई करेंगे। तो बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, देन दे ब्रोक स्टोर हाउसेस एंड डिस्ट्रॉयड क्लॉथ्स। मैंने जैसे आपको बताया कॉन्ट्रैक्टर्स डर के मारे भाग गए, तो जब वो भागे तो विद फैमिलीज पूरे पूरे परिवार लेकर भागे और उनको फिर फाइनली डिनाई हो गया शेल्टर बाय नेबरिंग विलेज। ठीक है, आसपास के लोगों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया और 24 घंटों के बाद जब वो लौटे हैं तो उन्होंने आर्मी की मदद ली है और 11 वीवोस उसमें शूट हो गए हैं बाय द आर्मी। सो दिस वाज द इंसिडेंट ऑफ द सिलिसियन वीवर्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। 3 मार्क में ये जनरली आता है और ये आपके एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ द सिलिसियन वीवर्स एंड हाउ पिटिएबल इट वाज। ठीक है, क्योंकि 11 लोग मर गए थे वहां जाके, ये पिटिएबल हो गई। वैसे तो इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और काफी अपना हक मांगने की कोशिश की है, तो कोई मुश्किल नहीं है। या अगर आप ऐसे भी याद रखोगे और ऐसे भी लिखाओगे, डजंट मैटर, कंटेंट ठीक होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लैंग्वेज बहुत हाई यूज कर रहे हो या जेन्युइन यूज कर रहे हो, नॉर्मल यूज कर रहे हो। ठीक है, फ्रेम लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा खराब मत लिखिएगा, ग्रामेटिकल एरर कम करिए क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कंटेंट बनाने की कोशिश करिए। और ये तभी होगा जब टॉपिक समझ के आप खुद से लिखने की कोशिश करोगे, नोट्स मेकिंग खुद से करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये यही यही जो रिवोल्ट है ये इसके आगे बढ़ेगा और अब लिबरल्स की बारी है, अब वो अपने तरीके से इसको डील करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्टिव, बाय बाय।